हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर। अभी लास्ट हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट, गॉट इट? और हमारे इंडेक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो चैप्टर आता है वो है वांट टू, गॉट इट एवरीवन? यस सर। आज हम लोग वांट टू पढ़ने वाले हैं। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल के बाद मैंने वांट टू क्यों रखा हुआ है इंडेक्स में, अभी ये हम पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको क्यों। सबसे पहले देखते हैं W A N T, want to। अच्छा, want का मतलब क्या होता है? Want का मतलब होता है चाहना। Want means चाहना। ये एक verb है, चाहना की verb है। W A N T, want, उसमें edd लगा देंगे आप तो second form और third form बन जाएगा। Want, wanted, wanted। Want का मतलब होता है चाहना। अच्छा, चाहना मतलब क्या होता है? नहीं, वो वाला चाहना नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि चाहता हूं तुझको दिलो जान की तरह और छा गई है मुझ पे तू आसमान की तरह, राइट? ये वो वाला चाहना नहीं है। चाहना मतलब हम लोग किसी काम को करना चाहते हैं, राइट? जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, न्यूज पेपर पढ़ना चाहता हूं, यहां आना चाहता हूं, वहां जाना चाहता हूं, दोस्तों से मिलना चाहता हूं, गॉट इट? किसी काम को करना चाहते हैं, गॉट इट? तो वांट, वांटेड, वांटेड, ये तो वर्ब है चाहना की। अच्छा, अगर वांट का मतलब होता है चाहना तो इसमें तो हम लोग वही काम बताएंगे जिस काम को हम लोग करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, पहचान क्या होगी? चाहता है, चाहते हैं, चाहती है, कर चाहिए वन, आप लिख सकते हो चाहता है, चाहते हैं, चाहती है, क्लियर? अच्छा, अब हम लोग इसके फॉर्मूले बना के देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है? किसी काम को करना चाहते हैं। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूं, यहां आना वहां जाना दोस्तों से मिलना ये करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं, गॉट इट? किसी भी काम को करना चाहते हैं। हिंदी में समझ में आया? इंग्लिश में कैसे बनाएंगे उसका एक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट वी हैव टू यूज, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो सभी लोग जानते हो, आई यू वी ही शी, राइट? जो भी सब्जेक्ट होगा सबसे पहले वो लिखेंगे, देन हमारा चैप्टर आ जाएगा। कौन सा? Want to, then first form of the main verb, then object. Want to लिखेंगे, फिर verb का first form और फिर object. Clear? मैं English बोलना चाहता हूँ. I want to speak English. Got it? मैं cricket खेलना चाहता हूँ. I want to play cricket. Got it? अच्छा, इसको आप लोग note down कर सकते हैं. Clear? मैंने present indefinite के बाद want to chapter index में इसलिए रखा है क्योंकि देखो आपको पता है ये जो want to है ना, ये कोई chapter ही नहीं है, ये कोई chapters नहीं होते, ये present indefinite ही है। इसके पहले हम लोगों ने जो chapter पढ़ा था present indefinite, आप ये समझ लीजिए आज हम लोग वही chapter फिर से पढ़ रहे हैं, बस नाम बदल गया। क्या नाम हो गया इसका? Want to। Want to। अच्छा, ये present indefinite कैसे हुआ? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग इसे याद रखिएगा, है ना? इससे आपकी इंग्लिश के आगे चल के बहुत सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने पढ़ा था करता है, करते हैं, करती है, राइट? और वांट टू में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चाहता है, चाहते हैं, चाहती है, बिल्कुल सेम वही आइडेंटिफिकेशन है। उसमें क्या होता है, किसी काम को करते हैं, इसमें चाहते हैं, आते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, खेलते हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो है। उसमें करता है, करते हैं, करती है, इसमें चाहता है, चाहते हैं, चाहती है, एक ही जैसी पहचान है, सेम टू सेम। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या किया था? सब्जेक्ट लिखा था, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने लिखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद आया? मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने लिखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर? यहां भी देखो, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा हुआ है? वांट। वांट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो है, ये भी तो वर्ब है ना, वांट, वांटेड, वांटेड। तो सब्जेक्ट का यहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट? तो एक वर्ब तो ये है, फर्क इतना है कि इसमें हम लोगों ने एक वर्ब और लगा दी, राइट? तो इसमें कितनी वर्ब आ गई? इसमें दो दो वर्ब आ गई, उसमें एक ही वर्ब थी, इसमें हम लोगों ने दो दो वर्ब लगा दी, क्लियर? ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। इंग्लिश ग्रामर का एक रूल होता है कि जब कभी आपको किसी सेंटेंस में यदि आपको दो दो वर्ब यूज करने हो तो बीच में हमेशा क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। जब दो दो वर्ब जोड़नी हो तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए किस चीज का यूज होता है? इंग्लिश ग्रामर का पहला नियम।
इंग्लिश ग्रामर का दूसरा रूल ये है कि आप टू के बाद जो वर्ब लिख रहे हो पूर्व वर्ड की इंग्लिश, जब भी आप टू के बाद वर्ब लिखोगे तो ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। गॉट इट एवरीवन? दो दो वर्ब को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है? टू। और टू के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। गॉट इट एवरीवन? यस सर। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां पर एक वर्ब थी, मान लीजिए मुझे यहीं पर अगर एक वर्ब और लगानी है तो क्या करना पड़ेगा? टू लगा के जोड़ देंगे। जैसे यहां पर टू लगा के जोड़ दिया वैसे टू लगा के यहां भी हम लोग वर्ब जोड़ सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? जैसे देखो किसी काम को करते हैं अपन, इसमें लगा के देखते हैं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, तो ये वॉन्ट टू चैप्टर बन गया। इसी से दो वर्ब इसी में लगा के इसी फॉर्मूले को बना लिया गया, दो दो वर्ब लगा दी। क्लियर? ऐसे तो आप लोग बहुत सारे चैप्टर बना सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल बना के देखते हैं, मैं इंग्लिश बोलने आता हूं, इसी चैप्टर का है ना, किसी काम को करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं इंग्लिश बोलने आता हूं, आई कम टू स्पीक इंग्लिश, क्या बनेगा? I come to speak English. I come to speak English. अच्छा, मैं क्रिकेट खेलने आता हूं, I come to play cricket. बस यहां दो दो वर्ब लगाते जाओ तू जोड़ के, हाँ? मैं न्यूज़पेपर पढ़ने आता हूं, I come to read newspaper. Got it? अच्छा, जैसे come to chapter बन गया, ऐसे और बना दो, go to. मैं इंग्लिश बोलने जाता हूं, I go to speak English. To लगा के वर्ब जोड़ते जाओ, I go to speak English. क्या बना? I go to speak English. मैं न्यूज़पेपर पढ़ने जाता हूँ, I go to read newspaper. मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, I go to play cricket. अच्छा और बना लेते, like मतलब होता है पसंद करना, मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ, I like to speak English. मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, I like to play cricket. मैं यहाँ आना पसंद करता हूँ, I like to come here. मैं वहां जाना पसंद करता हूँ, I like to go there. Got it everyone? ये लोगों ने कितने सारे चैप्टर बना दिए दो दो वर्ड जोड़ के, come to बना लिया, go to बना लिया, like to बना लिया, ऐसे want to बना हुआ। क्लियर? मतलब ये want to कुछ असली हीरो कौन था हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। Got it everyone? असली हीरो ये था, बस इसी में दो दो वर्ड जोड़नी तो टू लगा के जोड़ते जाओ। बहुत सारे चैप्टर ऐसे, बहुत सारे चैप्टर आपको इंग्लिश में आगे चल के मिलेंगे जो कोई चैप्टर ही नहीं है, असली हीरो उनके पीछे कोई और है। कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। Got it everyone? Yes sir. अच्छा ऐसी want to, अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये want to का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है तो हमने जितने रूल्स रेगुलेशन जो भी नियम कायदे कानून हमने प्रेजेंट सिंपल में यूज किए थे वो सारे नियम एज इट इज पूरे इस चैप्टर में भी यूज होंगे, होंगे या नहीं होंगे? अगर चैप्टर ही वही है फिर तो सारे नियम वही लगना चाहिए। हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा हुआ था, जब यहां सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही शी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम लोगों ने क्या किया था, वर्ब में ऐसे ही एस लगाया था, याद है? वर्ब में क्या करते हैं? ऐसे ही एस लगा दे, गो की जगह क्या हो जाता है? गोस। कम की जगह? कम्स। तो अब ये नियम यहां भी लगेगा क्योंकि चैप्टर ही वही, तो वही नियम यहां भी आ जाने के, जब भी यहां सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही शी इट तो यहां क्या है वर्ब वांट है ना, तो वांट की जगह हमें क्या बोलना पड़ेगा? वांट्स। क्या बोलना पड़ेगा? वांट्स। जब ही शी इट होगा तो वांट्स बोलना पड़ेगा, इसमें एस लगा दो। वो इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, वो यहां आना चाहती है, शी वांट्स टू कम हियर। राहुल क्रिकेट खेलना चाहता है, राहुल wants to play cricket. तो ही शुड होगा तो wants कर देंगे हम लोग। गॉट इट एवरीवन? सारे रूल्स वही लगेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगे क्योंकि चैप्टर ही वही है, बस यहाँ ये कि दो दो बार जोड़ दिया, ऐसे दो बार जोड़ दिया तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स बना लिए अभी। गॉट इट एवरीवन? अच्छा ये हो गया, हम लोग किसी काम को करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला होता है किसी काम को नहीं करना चाहते, इसमें नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं हिंदी नहीं बोलना चाहता हूं, मैं क्रिकेट नहीं, मैं न्यूज पेपर नहीं पढ़ना चाहता हूं। अब नहीं के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है लेकिन वर्ब से पहले, याद आया? वर्ब से पहले। हम लोग यहां फंस गए थे तो हम लोगों ने हेल्प के लिए दो लोग बुलाए थे, कौन कौन? डू और डस, इन दोनों को बुलाया था ना, इनकी हेल्प ली थी हमने नेगेटिव्स बनाने के लिए क्योंकि वर्ब से पहले नॉट लगाना था और थर्ड प्लेस पे लगाना था, यहां तो सेकंड प्लेस पे आ रहा था तो यहां भी अब हमें किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वांट वांटेड वांटेड ये तो वर्ब है और नॉट हमेशा वर्ब से पहले लगाना है पर थर्ड प्लेस पे लगाना है तो यहां भी सेकंड प्लेस पे आ रहा है। ओके तो अब हमें हेल्प लेना पड़ेगी ना, वही लोग हेल्प करेंगे जिन्होंने वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी। गॉट इट? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी हैव टू यूज, अच्छा
फिर यहां हम लोग क्या लिखेंगे डोंट, याद आया? अब तो आप लोग पढ़ चुके, तो हम लोग डायरेक्ट इसको डोंट लिख सकते हैं। अच्छा डोंट को अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा? डू नॉट, याद आ गया? अब आप लोग पढ़ चुके तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं डोंट, क्या बोलेंगे? डोंट। और इसके साथ में एक और आता है, क्या आता है? डजंट, क्या बोलेंगे? डजंट, डोंट और डजंट, और बाकी चीजें वही की वही रहेंगी। यहां पर क्या जाएगा? Want to, then first of the mango, then object. Clear? He should के साथ में क्या लगाते हैं? Doesn't. याद आया? पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था। He should जब भी होगा तो doesn't और बाकी सभी के साथ don't. Means singular subject के साथ में किसका use होता है? जो singular होते हैं उनके साथ में doesn't और जो plurals होते हैं उनमें क्या लगाएंगे हम लोग? Don't. Got it? मैं हिंदी नहीं बोलना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू रीड न्यूज़पेपर। डोंट वॉन्ट टू, राइट? अच्छा ही शुड होगा तो डजंट, वो इंग्लिश नहीं बोलना चाहता है। ही डजंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है। ही डजंट वांट टू प्ले क्रिकेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ इंट्रोगेटिव। थर्ड फॉर्मूला हम लोग कौन सा बनाते हैं? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। अब किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करना है तो आप कैसे पूछोगे? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हो? क्या आप यहां आना चाहते हो? क्या आप वहां जाना चाहते हो? राइट ना, इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या किया था? ये डू और डस को आगे करके सब्जेक्ट को पीछे कर दिया था, याद आया? Yes. अच्छा नॉट की जरूरत नहीं है ना, तो नॉट को छोड़ो, डू और डस को अपन आगे कर देते। पहले क्या जाएगा? डू डस, देन वी हैव टू यूज, फिर क्या जाएगा अपना चैप्टर? वांट यू, देन फर्स्ट ऑफ द मैंगो, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। गारंट एवरीवन, डू डस इसमें हमें पहले बोलना पड़ेगा, Do you want to? क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा यहाँ he should होगा तो doesn't, does बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सभी के साथ में do, right? Do you ये सबसे ज्यादा चलता है। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? Do you want to speak English? क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हो? Do you want to play cricket? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो? Do you want to read newspaper? अच्छा he should होगा तो does, क्या वो इंग्लिश बोलना चाहता है? Does he want to speak English? क्या वो क्रिकेट खेलना चाहता है? Does he want to play cricket? Got it? अच्छा आपको याद है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको WH words के बारे में बताया था। WH words means what, where, when, why, कब, कहां, क्यों, इन्हें ये सब WH words कहलाते हैं। Got it? इन्हें कहां यूज किया जाता है क्वेश्चन को करने में? सबसे आगे। कहां लगाते हैं? सबसे आगे। WH words का यूज कहां होता है? सबसे आगे। बाकी फॉर्मूला वही होगा, आपको what, where, when, why, जो भी यूज करना हो सबसे आगे लगाओ और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज होगा। आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं? क्यों मतलब why, तो यहां पर why लगा दीजिए। Why do you want to speak English? आप क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हो? Why do you want to play cricket? आप क्रिकेट कहाँ खेलना चाहते हो? कहाँ means where? तो यहाँ where लगा दीजिए। Where do you want to play cricket? Got it everyone? Yes sir. अब तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आंसर्स भी दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, राइट? क्वेश्चन किसमें करोगे? इसमें। Do you want to speak English? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? तो आप आंसर क्या दोगे? Yes, I want to speak English. हाँ मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। अच्छा और यदि नहीं बोलना चाहते तो मना कर दो, बोलो नो, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हो? तो बोल देना यस, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। हाँ मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, और नहीं खेलना चाहते तो मना कर देंगे, नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। गॉट इट एवरीवन? अच्छा अब लास्ट फॉर्मूला बनता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे और नहीं भी आएगा, जिसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। गॉट इट? क्या किसी काम को नहीं करना चाहते हैं, इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों को अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या और नहीं। क्या किसी काम को नहीं करना चाहते हैं, ये हम लोग जब किसी को डांटते हैं ना तब यूज करते हैं। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हो? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हो? क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हो? इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। गॉट इट? यस सर।
अभी हमने क्या वाला अलग बनाया और नहीं वाला अलग बनाया था। क्या के लिए क्या करना पड़ता है, डूडस को आगे लिखना पड़ता है, और नहीं के लिए क्या करना पड़ता है, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा दे। तो डूडस यही रहेगा, थर्ड प्लेस पे तीसरे स्थान पे यहां पे नॉट बस रहेगा। सो इजी, पहले क्या जाएगा, फर्स्ट वी हैव टू यूज डूडस, फिर क्या जाएगा सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस पे क्या आ गया नॉट, फिर क्या आ गया वांट टू, फिर पर्सन ऑफ द मैन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। क्या आप इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हो, डू यू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, डू यू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट? ऐसे जमा देंगे, क्लियर? अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और बनेगा। हम लोग डू और नॉट को मिला के क्या बोलते हैं, और डज और नॉट को मिला के क्या बोलते हैं, करेक्ट? तो ये नॉट उठा लीजिए और ये नॉट लाके उसमें मिला लीजिए। जब डू में मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डोंट बन गया। डज में मिला दिया तो क्या बन गया, डजंट बन गया। तो ये हो गया डोंट और डजंट, करेक्ट एवरीवन? अब क्या बचा, फिर क्या बचा हमारा चैप्टर वन टू, फिर करेक्ट पर्सन ऑफ द माइंड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या आप इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हैं, डोंट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, डोंट यू वांट टू प्ले क्रिकेट? क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं, डोंट यू वांट टू रीड न्यूज़पेपर? गॉट एवरीवन? इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, वन टू में प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहें तो इनके क्वेश्चन आंसर्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, थर्ड वन क्वेश्चन करने के लिए, गॉट? और आंसर्स देने के लिए दिस वन फॉर यस, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, यस yes में आंसर देने के लिए, और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होगा, नो, राइट? इनके आप क्वेश्चन आंसर्स भी बना सकते हैं और चाहें तो इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव एग्जांपल बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स आप कैसे बना सकते हो, किसी काम को करना चाहते हैं और किसी काम को नहीं करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोलना चाहता, करेक्ट? I want to play cricket. मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, but I don't want to play football. मैं फुटबॉल नहीं खेलना चाहता. Got it, everyone? ऐसे आप बहुत सारे examples बना के और इन बातों को याद रखिए. This is the grammatical portion. ये आपकी बहुत काम आने वाली चीज है. Got it, everyone? Thank you very much.